हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वह मैच होगा दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच, जो कि दोस्तों आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला माना जाता है। वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। 14 अप्रैल को 7:30 बजे से यह मुकाबला शेड्यूल्ड है। इस मुकाबले की दोस्तों पिच रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, साथ में ग्रैंड लीग की आप लोग किस प्रकार की अपनी टीम बना सकते हैं वह आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, 20 से 21 टीम बनाने की आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग मात्र 3 टीम भी बनाते तो भी आप लोग बड़ी आसानी से बॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है इस आईपीएल में धमाका मचा रहे हैं और इस ब्लॉकबस्टर मैच में भी हम लोग ग्रैंड लीग में धमाका मचाने वाले हैं। और दोस्तों किस प्रकार का हम लोग धमाका मचा रहे हैं भाई, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पर आप लोगों के साथ हम लोग जो बड़ी आसानी से स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और हमारे साथ जो मैं फैमिली हमारे साथ जुड़ गए हैं लोग भाई, बहुत अच्छा खासा ग्रैंड लीग बॉन्ड कर रहे हैं। तो आप लोग भी ग्रैंड लीग बॉन्ड करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। तो इस मुकाबले में दोस्तों आप लोग किस प्रकार की अपनी ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं, और जैसा मैंने बोला 20 से 21 टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र 3 टीम ही आप लोगों को बनाकर बताने वाले हैं। तो भय भी दोस्तों आगे बताएंगे वीडियो में कि आप लोग किस प्रकार की अपनी 3 टीम बना सकते हैं। पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर 172 रन रहा है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो है जो स्टेडियम रहेगा दोस्तों यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम, वहाँ पर दोस्तों 172 रन एवरेज स्कोर है और हाई स्कोरिंग मुकाबला हम लोगों को देखने को मिल सकता है वानखेड़े स्टेडियम पर। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 240 रन 3 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट स्कोर 80 रन 10 विकेट के नुकसान पर। लास्ट के 5 ईयर का दोस्तों जो है एनालिसिस है वह हम जो है आप लोगों को बता रहे हैं। टोटल मैचेस की बात करें तो दोस्तों 12 खेले गए हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मैच जीते हैं और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं। एक भी मुकाबला यहाँ पर दोस्तों बात करें तो जो है टाई नहीं हुआ है। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर जो एनालिसिस रहता है पिच का, यानी 12 में से 5 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 7 मैच बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने। और दोस्तों इस मुकाबले में आप लोगों को बता दें जो मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और सीएसके का, बड़ा ही धमाकेदार मिलेगा, क्योंकि एक तरफ होंगे सूर्य कुमार यादव, एक तरफ रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी आप लोग इस मैच में जो खेलते हुए नजर आएंगे। तो इनमें से किसको कैप्टन वाइस कैप्टन रखना है सारी जानकारी आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना है बिना स्किप के। वीडियो पूरा देख लिया तो ग्रैंड लीग बड़ी आसानी से आप लोग जो बॉन्ड कर सकते हैं। ये तो गारंटी नहीं है कि इस मैच से हो जाएगा बॉन्ड, लेकिन दोस्तों आप लोग जो अगर अपने भाई के साथ जुड़ जाते हैं तो इस आईपीएल सीजन में आप लोग ग्रैंड लीग बॉन्ड करवाकर जरूर देने वाले हैं। आप लोग मात्र दोस्तों 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां पर टॉस के बाद आप लोगों को वीडियो जो है दोस्तों हम लोग वीडियो में जो टीम प्रोवाइड करवाते हैं उसके अपडेटेड वर्जन वहीं पर आप लोगों को मिल जाता है टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर। बस यही आप लोग काम करने और कुछ नहीं करना है। तो जल्द से जल्द दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे दोस्तों बात करें प्लेइंग 11 किस प्रकार की रहेगी चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स में जो 11 खिलाड़ी आप लोग खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों, उसमें ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरिल मिचेल, शुभम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, मोइन अली, तुषार देशपांडे, दीपक चहर और महिक तीक्षणा, ये रही दोस्तों 11 खिलाड़ियों की टीम। यहाँ पर दीपक चहर की जगह मुस्तफिजुर रहमान आप लोग खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर बतौर सब्सिट्यूट भी यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान आप लोग खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर जो दीपक चहर चोटिल हुए थे, तो इस मुकाबले में तो मुस्तफिजुर रहमान आप लोग खेलते हुए नजर आएंगे। ये 11 खिलाड़ी रहे दोस्तों, इसमें से खुशको अपने टीम का कैप्टन रखना है, क्या शुभम दुबे कैप्टन सही रहेंगे या फिर रचिन रविंद्र या फिर ऋतुराज गायकवाड़, क्या दोस्तों अजिंक्य रहाणे इस मैच में रन बनाएंगे या रविंद्र जडेजा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो किसको टीम में रखना है किसको नहीं रखना है। आगे जो ग्रैंड लीग की 3 टीम आप लोग बताने वाला हूं उसमें ही बताऊंगा किसको रखना है किसको नहीं रखना, कौन कौन से ट्रंप कार्ड खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हमारे होने वाले हैं। तो वीडियो पूरी जरूर देखनी है, यही बात आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, वीडियो पूरी जरूर देखनी है, आधे अधूरे यहां पर जो है देखकर अपना लॉस नहीं करवाना है। आगे दोस्तों इस वेन्यू पर जो है पेसर और स्पिनर्स की बात करें तो किसने विकेट पेसर्स को मिले हैं, तो दोस्तों लास्ट के मुकाबलों में बात करें तो रिसेंट में यहाँ पर पेसर्स को 8 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 3 विकेट मिले हैं। तो पेसर्स का जलवा देखने को मिलता है वानखेड़े स्टेडियम में, यहाँ पर लाल मिट्टी की पिच हम लोगों को देखने को मिलेगी। पिछले ही मुकाबले में आरसीबी क्लब जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल वहाँ पर लिया हुआ था। जो जसप्रीत बुमराह को दोस्तों टीम में जरूर पिक करने हैं, 3 की 3 टीम रहेंगी, तीनों की तीनों टीम में जसप्रीत बुमराह को हम लोग बड़ी आसानी से जो है पिक करने वाले हैं। आगे दोस्तों टोटल रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच, जिसमें से दोस्तों हेड टू हेड में किस टीम ने किसने मुकाबले जीते, तो मुंबई इंडियंस इकलौती ऐसी टीम है जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है आप चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो है दोस्तों भारी होती है। तो मुंबई इंडियंस ने 7 मुकाबले जीते हैं, वहीं पर यहाँ पर सीएसके की टीम 5 मुकाबले जीत पाई। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, केकेआर हो गया है दोस्तों सीएसके की जगह, सीएसके की टीम 5 मुकाबले जीत पाई है, मुंबई इंडियंस की टीम 7 मुकाबले जीती है। आगे दोस्तों यहाँ पर जो अगर आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन
लोकेशन में दी हुई है। यहाँ पर टॉस के बाद आप लोग ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में स्मॉल लीग की भी अलग से टीम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी व्यक्ति स्मॉल लीग खेलना चाहते हैं उनको स्मॉल लीग की टीम, और जो ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, जो दोस्तों हमारे साथ बॉन्ड कर रहे हैं, उनको ग्रैंड लीग की टीम हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मात्र 3 टीम प्रोवाइड करवाते हैं, 20-21 टीम प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। 3 टीम से आप लोग ग्रैंड लीग बॉन्ड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। यहाँ पर दोस्तों टॉस के बाद आप लोग बिल्कुल फ्री में टीम हम प्रोवाइड करवा देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करें, मुंबई इंडियंस की किस प्रकार की 11 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 होने वाली है, तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव की वापसी से मुंबई इंडियंस बहुत जबरदस्त हो गई है। पिछले मुकाबले में जलवा दिखा दिया सूर्य कुमार यादव ने अपनी बैटिंग से। तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, जेरल्ड कॉट जी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और रोमारियो सेफर्ड, ये रहे दोस्तों 11 खिलाड़ी। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो पीयूष चावला की जगह आप लोगों को हो सकता है इस मुकाबले में जो है दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरा लेग स्पिनर देखने को मिला जो पिछले मुकाबले में खेले गए थे दोस्तों। तो ये रही 11 खिलाड़ियों की टीम, इस प्रकार के आप लोग खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पर श्रेयस गोपाल पीयूष चावला की जगह आप लोग खेलते हुए नजर आ सकते हैं मुंबई इंडियंस की टीम में। तो दोस्तों इनमें से कौन कौन से खिलाड़ी आप लोगों के लिए ट्रंप कार्ड रहेंगे, किसको आपको अपनी टीम में पिक करना है, क्या सूर्यकुमार यादव को ही कैप्टन रखना है तीनों टीमों में, या फिर ईशान किशन या रोहित शर्मा को, या हार्दिक पांड्या को, क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन करना इनको थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्या सूर्यकुमार यादव का बल्ला फिर से बोलेगा। वानखड़े में ही दोस्तों यहाँ पर जो है मैदान में ही एक बार फिर से मुकाबला है, तो किस प्रकार की आपको अपनी टीम बनानी है चलिए उसके बारे में अभी बात कर ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो है फैंटेसी से रिलेटेड किसी प्रकार कोई भी टिप्स चाहिए तो आप लोग अपने भाई को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं बड़ी आसानी से। वहीं पर आप लोग अपने विनिंग स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों ये रही हमारी जो 3 टीम हम लोग यूनिक टीम बनाई है, फाइनल टीम ये रही दोस्तों हमारी सबसे अलग और बेहतरीन तीन टीम है, जिसमें कैप्टन किसको रखा है तीनों टीम में एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। पहली टीम की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन दोनों को हमने टीम में पिक किया हुआ है बतौर विकेट कीपर, सूर्य कुमार यादव, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रविंद्र जडेजा, रोमारियो सेफर्ड, जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे, ये रही पहली हमारी टीम जिसमें कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, वाइस कप्तान हमारे जो है सूर्य कुमार यादव। इस टीम से हमने रोहित शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप लोग अपनी टीम से बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को यूनिक टीम नहीं बनेगी और आप लोग ग्रैंड लीग बॉन्ड नहीं करेंगे। तो आप लोग बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिस्क लेकर ड्रॉप करना है। हो सकता है दोस्तों कभी कभी बड़े खिलाड़ी आप लोग पॉइंट्स दे दे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप लोग जो अपनी टीम में बड़े खिलाड़ी पिक करते हैं भाई दोस्तों पूरे के पूरे प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपनी टीम में जो 8-10 बड़े खिलाड़ी पिक नहीं करें, मात्र 5-6 बड़े खिलाड़ी पिक करें और 4-5 जो छोटे खिलाड़ियों को अपनी टीम में पिक जरूर करें। छोटे खिलाड़ियों से मतलब दोस्तों जिनका जो परसेंटेज रेशियो बहुत कम रहता है सेलेक्ट साइड का, यानी कि बहुत कम संभावना रहती है कि लोग इनको जो अपनी टीम में रखेंगे इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहता है, उनको जरूर अपनी टीम में पिक करें। दूसरी टीम रहेगी दोस्तों जिसमें ईशान किशन है हमारे बतौर विकेट कीपर, रोहित शर्मा, जी किराणे, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रविंद्र जडेजा, रोमारियो सेफर्ड, जसप्रीत बुमराह, तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल। इस टीम में कैप्टन जसप्रीत बुमराह है, वाइस कैप्टन हमारे ईशान किशन होने वाले हैं। इस टीम में दोस्तों रोहित शर्मा आ गए हैं, अजिंक्य राणे हैं और दोस्तों यहाँ पर जो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रचिन रविंद्र को इस टीम से हमने ड्रॉप कर दिया, रविंद्र जडेजा और रोमारियो सेफर्ड ये 2 ऑलराउंडर हमने रखे हुए हैं। आखिरी और जो हमारी फाइनल टीम रहेगी उसके बारे में बात करें तो ईशान किशन है हमारी टीम में, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभम दुबे, रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मुस्तफिजुर रहमान और दोस्तों जेरल्ड कॉट जी। इस टीम में कैप्टन है हमारे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन रहेंगे रचिन रविंद्र। ये रही दोस्तों हमारी 3 टीमें। ध्यान रहे दोस्तों ये 3 टीमें ही आप लोग ग्रैंड लीग के अंदर अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करके रख लेते हैं तो भी ग्रैंड लीग बहुत अच्छा खासा बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन 1-2 चेंजेस आप लोगों को इनमें भी कर देने हैं। अब हाल फिलहाल इनको कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लीजिए, टॉस के बाद टेलीग्राम पर आप लोग जो टीम प्रोवाइड हम लोग करवाएंगे वहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी आप लोगों को। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।